हेलो दोस्तों, ई डेरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस मेथड ऑफ मिल्किंग। मिल्क यील्ड मिल्किंग करने की मेथड पर भी डिपेंड करती है। मिल्किंग का एक बेटर मेथड ज़्यादा मिल्क यील्ड में हेल्प करता है और काओ बफलो की मिल्किंग लेफ्ट साइड से की जाती है। जैसे कि आपको पता ही है, काओ और बफलो के नॉर्मली 4 टीट्स होते हैं जो एक बड़े अडर के नीचे होते हैं। 2 टीट्स आगे की तरफ जिन्हें 4 क्वार्टर्स और 2 पीछे की तरफ जिन्हें हिंड क्वार्टर्स कहते हैं। मिल्किंग जनरली क्रॉसवाइज या फिर 4 क्वार्टर्स को एक साथ या हिंड क्वार्टर्स को एक साथ पकड़ कर की जाती है। मिल्किंग करने से पहले अडर और टीट्स को अच्छी तरह से धोना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादा उभरे टीट्स का मिल्क निकालना चाहिए। मिल्क की पहली धार को अलग कप में निकालना चाहिए जिससे टीट्स कैनल की गंदगी बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जनरली मिल्किंग 4 मेथड से की जाती है। स्ट्रिपिंग मेथड, नकलिंग मेथड, फुल हैंड मिल्किंग मेथड, मशीन मिल्किंग मेथड। स्ट्रिपिंग मेथड, इस मेथड में सिर्फ अंगूठे और 4 फिंगर यानी पहली उंगली के बीच में टीट्स को पकड़कर मिल्क निकाला जाता है। यह मेथड जनरली स्मॉल काउज या छोटे टीट्स वाली काउज या फिर मिल्क की लास्ट ड्रॉप्स को निकालने के काम आता है। नकलिंग मेथड, इस मेथड में उंगलियों के बीच में टीट्स को पकड़कर अंगूठे से दबाया जाता है। इस मेथड से टीट्स इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यह मेथड जितना हो सके नहीं करना चाहिए। फुल हैंड मिल्किंग मेथड, यह मेथड नकलिंग की तरह लगता है बट इसमें टीट्स को अंगूठे से दबाए बिना ही मिल्क निकाला जाता है। इस मेथड में टीट्स इंजरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यह एक सेफ मेथड है मिल्किंग का। इस मेथड से मिल्क जल्दी निकलता है और इस मेथड से 85% मिल्क निकल जाता है और 15% मिल्क अडर में ही रहता है जिसे रेजिडुअल मिल्क कहते हैं। और फुल हैंड के साथ साथ स्ट्रिपिंग मेथड जो कि मिल्क की लास्ट ड्रॉप्स को निकालने में हेल्प करता है, दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करने से ज़्यादा मिल्क यील्ड किया जा सकता है बिना टीट्स को इंजरी किए। इसलिए फुल हैंड प्लस स्ट्रिपिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। मशीन मिल्किंग मेथड, यह मेथड बिग फार्म्स या ज़्यादा मिल्क यील्ड वाली काउज या बफलोज के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड में मिल्क का कंटिन्यूस फ्लो होता है और साथ ही इस मेथड से मैक्सिमम यील्ड हाइजीन कंडीशन में ली जा सकती है। इस मेथड में मिल्किंग मशीन का प्रेशर 10-16 इंच ऑफ HG पर मेंटेन किया जाता है और इसमें वैक्यूम पल्सेशन से मिल्क निकलता है। इस मेथड में टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है और यह टीट्स को इंजरी भी नहीं पहुँचाता। फ्यू कैटल्स रखने वाले किसान एक छोटी मिल्किंग मशीन खरीद सकते हैं और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज इन मशीनों पर सब्सिडीज और लोन भी देती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।